जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का 12वां अध्याय जो कि भक्ति योग नाम से जाना जाता है, उसमें उत्तम भक्त के लक्षण भगवान ने बताए। वो सारे के सारे लक्षण हमारे विजय का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। एक श्लोक में भगवान कहते हैं, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रियः। अनपेक्ष का मतलब होता है निरपेक्ष, बिना किसी अपेक्षा के जो काम करता जाता है। शुचिर दक्ष, ये जो दो शब्द है बड़े महत्वपूर्ण है। शुचि का मतलब होता है स्वच्छता, वो केवल शरीर की स्वच्छता नहीं, वो मन की भी निर्मलता। और दक्ष का मतलब होता है चातुर्य, अलर्टनेस। उदासीनो गतव्यथः, जो निरहंकारी है मन से, और सर्वारंभ परित्यागी, जिसने जो भी काम किया है वो काम केवल मैंने किया ऐसा भाव जिसके मन में नहीं आता, ऐसी व्यक्ति जो श्रेय दूसरों को दे देती है, जो अहंकार से विमुक्त हो जाती है, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं अर्जुन, ऐसा भगवान ने कहा। हमारे इतिहास में ऐसे अनेक भक्त हमें देखने मिलते। हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त थे, उनके जीवन के एक एक प्रसंग देखते हैं तो ये सारे गुण उनमें देखने मिलते हैं। अनपेक्ष, भगवान राम की सेवा के लिए जब हनुमान जी निकल पड़े समुद्र लांघने के लिए, और कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल एक ही भाव था मन में कि मैं ये काम करके रहूं, ये पराक्रम मेरे हाथ हो। शुचिर दक्ष, हनुमान जी अंतर्बाह्य शुचिरभूत तो थे ही, लेकिन दक्षता उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। जब सीता मैया की खोज करने वो निकले, उन्होंने भगवान राम से प्रश्न किया कि मैं पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन सीता मैया मुझे पहचानेगी तो कैसे पहचानेगी? आप ऐसी कोई निशानी मुझे दे दे जिसको दिखाते ही सीता मैया मुझे पहचान जाएगी। और भगवान से वो मुद्रिका, वो अंगूठी उन्होंने ली, और वो अंगूठी अपने मुंह में रखकर ये सारा प्रवास किया बड़ी दक्षता के साथ में। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघी गए अचरज नाही। जब उड्डान करके जा रहे थे तो बीच में मैनाक पर्वत आया। मैनाक ने कहा कि रुक जाओ थोड़ा आराम कर लो, थोड़े फल खा लो, इतना श्रम हुआ है तुम्हें, इतनी देर आगे और जाना है, थोड़ा विश्राम करके निकलोगे तो ठीक रहेगा। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि ना ना, विश्राम करने का यह समय नहीं। हनुमान जी आगे निकलते, बीच में फिर सुरसा आती। वो सुरसा की जो कहानी है वो तो बड़ी अद्भुत है। वो अपना मुंह फैलाती, हनुमान जी भी अपना शरीर बड़ा 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 करते जाते, लंबी गहरी सांस लेते और बड़े होते, योग माया से अपना विशाल रूप धारण करते, और फिर क्षण में शून्य हो जाते, अति लघु रूप धारण करते। ये शून्य हो जाना, इसी का मतलब है अहंकार से मुक्त हो जाना। जब हनुमान जी एकदम शून्य रूप धारण करते तब झट से अंदर जाते और सुरसा के मुख से बाहर निकल आते। अनेक प्रकार के रस हमें आमंत्रित करते, उन रसों के आमंत्रण के पश्चात जो निरहंकारी बना रहेगा, जो शून्य बन जाएगा, वही उस संकट से बाहर निकलकर आगे पहुंचेगा। हनुमान जी का यह सारा प्रवास बड़ा दिव्य प्रवास है, उसमें अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी, ये जो शब्द है ये बड़ा सुंदर। जब हनुमान जी लौट कर आए, लंका जला दी, जब बाकी लोगों ने नल नील अंगद जांबुवंत जी सबने बताया कि हनुमान ने ऐसा गजब का पराक्रम किया, तो भगवान राम के आंखों से आंसू निकल गए। भगवान श्री राम कहने लगे कि कमाल है हनुमान, तुम्हारी कमाल है, तुम्हारे जैसा पराक्रमी दूसरा कोई नहीं। जैसे ही भगवान ने इस प्रकार के वचन कहना आरंभ किया, हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे त्राहिमाम त्राहिमाम, इतना सारा प्रवास करके मैं लौट कर तो आ गया, अहंकार मेरे मन को मैंने छूने नहीं दिया, लेकिन आपकी ये स्तुति, जब आप मुझे
ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लग जाओगे तो हो सकता है मेरे अहंकार को बढ़ावा मिलेगा। मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। इसी प्रकार जो स्वयं दक्ष रहता है, जो अलर्ट रहता है, जो शुचिर्भूत रहता है, अंतर्बाह्य निर्मल रहता है, जो अहंकार से मुक्त रहता है, वो ही आगे बढ़ता है, वो ही विजय को हासिल करता है। और इसलिए तो हनुमान जी विजय को हासिल करके वापस लौट के आए। और इसीलिए अर्जुन के उस रथ पर जो ध्वज लगाया गया वो विजय ध्वज, उस पर हनुमान जी का चित्र अंकित था। आइए उसी मार्ग पर हम भी बढ़ते हैं और विजय को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।